चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. गुड मॉर्निंग गायत्री, उर्वी, राजवी. राजवी बॉय है कि गर्ल है? ओ गर्ल है, आई कैन सी द फोटो. आर्ची, बंसारी, आंचल, रोशनी, आदित्य एंड नायशा. ठीक है चलो. ओके, हेडिंग दो कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूशंस. डिस्क्रीट में कोई भी डाउट है तुम लोगों को? हाँ, पक्का श्योर? ओके, पहला वाला. अच्छा, यहाँ पे व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट? एनी आइडिया? याद है हम लोग ने रैंडम वेरिएबल जब किया था उस केस में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एक्स. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं, हम लोग पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं. हाँ, CDF तो दोनों में आता था. वहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स. इस केस में, हमारे केस में हम लोग क्या लेते हैं? fx विच इज PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ये होता है प्रोबेबिलिटी मास, PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जाता है इसको. इसको PDF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है. यहां पे इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो. ठीक है, थैंक यू. सर को दे दिए? ठीक है चलो. अभी लिखो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट है. कंटिन्यूअस कहां गया? हाँ, क्या बोल रहे हो रोशनी? कंटिन्यूअस इज अप टू अ पॉइंट एंड डिस्क्रीट इज एट अ पॉइंट. हाँ ठीक है, वी कैन से दैट कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग विद इन अ रेंज वैल्यूज ले सकते हैं वहां पे एग्जैक्ट. एंड एक चीज और डिफरेंस था कि इक्वल टू आप नहीं निकाल सकते इन केस ऑफ कंटिन्यूअस. इक्वल टू आप जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो क्या आएगा? जीरो आएगा. वेरी गुड. ठीक है. Just give me a second. चलो पहले वाला लिखो. फर्स्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे वहां पे भी हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वैसे यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट इट इज अ लिटिल डिफरेंट ऑब्वियसली. अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सो इसका जो नोटेशन हम यूज करते हैं, इसका नोटेशन होता है x follows यूनिफॉर्म कैपिटल U a कॉमा बी. इसका क्या मतलब है? लिखो x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन a एंड b. बिटवीन a एंड b. ठीक है, इसका पीडीएफ कैसे लिखेंगे? वेयर एक्स इज बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, ये हो गया इसका पीडीएफ. वहां पे क्या आ रहा था याद है? डिस्क्रीट केस में हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल थ्रो ऑफ अ कॉइन, थ्रो ऑफ अ डाई,
तो थ्रो ऑफ अ डाई में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, आप 6 आपके वैल्यूज है ना, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी इज 1/6 1/6 1/6 है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं करेक्ट, तो ईच वैल्यू हैज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6। यहां पे भी आपका क्या है, हर एक वैल्यू का इक्वल प्रोबेबिलिटी। नाउ सिंस देयर आर हाउ मेनी वैल्यूज, बी माइनस ए वैल्यूज आर देयर, इफ आई टेल यू कि 0 से 1 इनफाइनाइट है वैसे तो हम लोग इसीलिए आप पीडीएफ निकालते हैं, इसमें हमारा पीडीएफ होगा हर एक वैल्यू का 1/b-a। गॉट इट, एनी डाउट इसमें? अब इसका मीन ये सब भी लिख लो, मीन इज ए प्लस बी बाय 2 ठीक है, एंड वेरियंस लिख लो बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? लेट्स डू वन क्वेश्चन। अच्छा, ये अगर प्रूफ करने को आएगा तो आप लोग कैसे प्रूफ करोगे वेरियंस या फिर मीन? सपोज वेरियंस आया प्रूफ करने को तो कैसे करोगे? वेरियंस कैसे निकालते हैं कंटीन्यूअस केस में? इंटीग्रेशन यूज करते हैं रादर देन समेशन, इंटीग्रेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे अंदर, भूल गया, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये होता था डिस्क्रीट केस में। इस केस में क्या होगा, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। हमारे केस में कहां से कहां जाएगा, ए से बी, एक्स माइनस म्यू के जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। कैन यू ऑल सॉल्व दिस नाउ? हाँ, स्क्वायर होगा, कैन यू ऑल सॉल्व दिस नाउ? इसमें स्क्वायर बेसिकली देखो, इसमें ये तो आपका कॉन्स्टेंट है एक्स माइनस, ये स्क्वायर आ रहा है, तो इट्स लाइक व्हेन यू आर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए का, विच इज एक्स माइनस ए स्क्वायर है, तो उसको एक्स माइनस ए होल क्यूब बाय क्यूब लिख सकते, बाय 3 लिख सकते हो ना, तो इसका भी आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक्स माइनस ए प्लस बी, ये पूरा चीज का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, ये बी माइनस ए होगा ना, इसका पीडीएफ इज बी माइनस ए, तो बी माइनस ए लिख दो, ठीक है, ये पूरा ए से बी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देखो तो क्या आंसर आ रहा है, इज इट कमिंग और नॉट?
डन बोलो अब क्या है आंसर आ गया नहीं गया ना तुम की तुम क्यों नहीं किया करो देखो आंसर नहीं आएगा तुम्हारा ऐसे आ सबका आया आंसर ठीक है सिमिलरली एक्सपेक्टेशन का भी प्रूफ करो तो ए से बी आया ना सबका यहां पे कुछ नहीं करना है खाली आपको पहले बी डालना है पता है बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं तुम लोग जिन लोग सही की हो गए उन लोगों को हंसी आएगा एक्स की जगह पे बी माइनस ए डाल देते हैं मतलब क्या करते हैं बी माइनस ए माइनस हाफ ऐसे कर देंगे करते हैं स्टूडेंट्स इसीलिए मैंने बोला सॉल्व करके दिखाओ मुझे वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट डू दिस तो बी अलग से डालोगे फिर माइनस ए अलग से डालोगे एंड आंसर आएगा आ गया ठीक है अब ये वाला करो एक्स एफ एक्स अगेन बी माइनस ए डी एक्स ये तो इजी है एक्स स्क्वायर बाय टू बी माइनस ए अब ऊपर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना तो उसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बोलो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो ए प्लस बी बाय टू आ गया हेंस प्रूव्ड अगर ये वाला किसी को इस तरीके से सॉल्व करना था वेरिएंस को एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस तो ऐसे भी कर सकते थे खाली ये अलग से निकालना पड़ता आंसर सेम आता ठीक है इसका सीडीएफ कैसे निकालते लिखो सीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि यूजुअली हम लोग कंटिन्यूस के केस में इक्वल एक सिंगल पॉइंट पे तो प्रोबेबिलिटी आप निकालते नहीं हो तो लेस देन ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटीज से ही हम लोग डील करते हैं तो कैसे निकालते हैं देखो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होता है सीडीएफ हाँ और सीडीएफ में हमने क्या पढ़ा है जब आप बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स तो याद है हमने पढ़ा था अगर हम लोग पीडीएफ का इंटीग्रेशन करें अगर हम लोग पीडीएफ का इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा कहां से स्टार्ट से लेके हमारा जो भी ये वाला एक्स का वैल्यू है ये वाला एक्स का वैल्यू है वहां तक आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यस तो इसको करो सॉल्व एक्स को वैसे ही रहने दो स्टार्ट वैल्यू हमारा ए है और पीडीएफ की जगह पे क्या डालेंगे वन बाय बी माइनस ए dx अब अंदर में खाली इस पार्ट को इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x बाय बी माइनस ए ए से x डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग ऐसे करो देखो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग ये अप्रोच यूज करो ए से एक्स तक एफ एक्स डी एस ठीक है ऐसे कर सकते हो यहां पे एस लिखना तो ये हो जाएगा आप लोगों का फिर यहां मैं पर्पसली एक्स लिखूंगी क्योंकि इसका मतलब होता था दिस इज अ पीडीएफ ऑफ एक्स एंड ये होता था वैल्यू आप एस डाल रहे हो तो वन बाय बी माइनस ए नहीं ये हो जाएगा फिर आपका एस बाय बी माइनस ए इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू एक्स सेम थिंग अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है पहले x डालो b माइनस ए फिर a डालो b माइनस ए तो क्या आ रहा है x माइनस ए बाय वेर योर x इज बिटवीन a एंड b
वो लिखने का जरूरत नहीं है, बट ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू, देख लो. यस और नो? आ रहे सबको समझ में? बोलो. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलो सॉल्व करो. लेट एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म 50, 150. फाइंड प्रोबेबिलिटी वाई ग्रेटर देन 74. प्रोबेबिलिटी 50. चलो ये दोनों ढूंढो, करो इसको सॉल्व. नहीं, तुम कैलकुलेटर क्यों नहीं लेके आए क्लास में? कंप्लेन करेंगे अभी तुम्हारी दीदी को? बोले उसको भड़का दें? जीरो पॉइंट सेवन सिक्स, वेरी गुड विद्या आंचल, गुड गर्ल्स. पता नहीं लड़का लोग ही बहुत वियर्ड होते हैं, गर्ल्स आर वेरी गुड. कैसे? एक सेकेंड.
कैसे निकाला है पहला वाला? तुम लोग अगर ठीक है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू 74, और लेस देन वाले में तुम लोग वो डाले हो क्या? 74, अरे 74 माइनस ए बाय बी माइनस ए, स्ट्रेट अवे क्या होगा? ये आएगा. अब तुम लोग अगर इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करते तो कैसे करते? 74, देखो ग्रेटर देन बोला है ना, तो 74 से एंड प्रोबेबिलिटी, जो भी एंड वैल्यू है सॉरी, तो हमारा एंड वैल्यू इज 150. ठीक है, एफ एक्स टी एक्स हो गया, यू विल गेट द सेम आंसर. तो ऐसे भी कर सकते थे. अब इस केस में तुम लोग देखो दो तरीके से कर सकते हो. प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 126 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, मतलब इक्वल टू लिख सकते हो, सिंस इट्स कंटीन्यूअस तो हम लोगों ने देखा है कि डजंट अफेक्ट दैट मच. तो आप लोग ये भी कर सकते हो, या फिर मतलब फिर इसको इंटीग्रेशन ले लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का. 50 से 126 आप एफ एक्स टी एक्स लिखो, यहाँ पे वाई है, वाई फॉलोज है क्या? ये मुझे वाई लिखना चाहिए था, वाई फॉलोज, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स द सेम थिंग. आप लोग करके इसको सॉल्व करो, और क्या आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर क्या आ रहा है इसका? बोल ही नहीं रहा है. पॉइंट 76 ही आ रहा है. एक चीज समझो कि क्यों सेम आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? यहां बोल रहे हो इंटीग्रेटिंग बिटवीन, क्योंकि आपका जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो दोनों में सेम है. देखो यहां आप ले रहे हो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन 74, मतलब 74 से 150, 150 माइनस 74 कितना होता है? 150 माइनस 74 76 होता है, 76 होता है. और सिमिलरली 126 माइनस 50 है 76, तो इंटरवल सेम है. और क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो, जिस केस में आपका इंटरवल हमेशा सेम आता है. अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, आप लोगों को ग्राफ बना के मैं समझाऊं, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा. देखो लेट्स सपोज यहां आप एफ एक्स प्लॉट कर रहे हो, ठीक है. सो इफ द वैल्यूज आर रेंजिंग बिटवीन ए एंड बी, इफ द वैल्यूज आर रेंजिंग बिटवीन ए एंड बी, मैंने क्या बोला इसका एफ एक्स क्या होता है? 1 बाय बी माइनस ए. तो ये जो 1 बाय बी माइनस ए, ये पूरे का यही रहेगा सेम, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी पीडीएफ इज सेम, तभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है. देख लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है. अब यहां पे तो आप क्या कर रहे हो, अगर मैं आपको एक सब इंटरवल बोलूं, मैं बोलूं कि इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ, इस पूरे रीजन का, इस पूरे रीजन का प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ. ये लेट्स सपोज ये इसका मिडवे आ रहा है, लेट्स सपोज ये इसका मिडवे आ रहा है, तो ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि सब इंटरवल एक है ना. आप इंटीग्रेशन अंदर, मतलब आप क्या करते हो, जब आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट बेसिकली दिस एरिया अंडर द कर्व. लेट सपोज ये आपका मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बाई टू, दैट्स योर मीन, दैट्स योर मीन. तो आप क्या कर रहे हो, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो? ए प्लस बी बाई टू से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हो. आंसर देखना हमेशा 0.5 आएगा, क्योंकि मीन है ना, इधर 0.5 इधर 0.5 है ना. तो ये वाला मीन मीडियन मोड सेम होता है इस केस में. मोड एक्चुअली कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सारा का पीडीएफ सेम है. मोड इज द वैल्यू विद द हाईएस्ट पीडीएफ. तो इसका मीन इज एंड मीडियन आर सेम. तो मीडियन है इसीलिए यहाँ पे 0.5 है, नॉट बिकॉज ऑफ मीन. तो ये आपका 0.5 आर है. अगर आप लोग ये वाला, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल कितना है, बी माइनस ए प्लस बी बाई टू कितना होता है? बी बाई टू. हाँ
हाँ करो, क्या होगा क्या होगा, इंटरवल बताओ क्या होगा, टू बी पूरा बताओ वैल्यू सॉल्व करके। बी माइनस ए बाई टू, और ये वाला भी देखो, इस दिस माइनस दिस करो, बी माइनस ए बाई टू ही आएगा। तो ये आपका गैप सेम है ना, इसीलिए प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। इसीलिए यहां पे भी, क्योंकि आपका सब इंटरवल सेम है, आपका दोनों में 0.75 आ रहा है, 76 आ रहा है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दैट योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हुआ कि नहीं, मीन के लेफ्ट साइड और राइट साइड सिमेट्रिक है, सेम है। क्लियर, एक बार यस लिख दो प्लीज ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नोटेशन जो है देख लो वो कैसा होता है। x फॉलोज गामा अल्फा कॉमा लैम्डा, वेर योर अल्फा कॉमा लैम्डा, x कॉमा अल्फा कॉमा लैम्डा ऑल आर ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे जो आपका x का वैल्यूज है वो कहां से कहां जा रहे हैं, जीरो टू इन्फिनिटी। तो क्या हुआ, कंटेनर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो जीरो वन के बीच में तो सारा वैल्यूज लेगा, तो जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को पीडीएफ सॉल्व करना हुआ, इसका पीडीएफ देखो क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी होगा ऑब्वियसली। मतलब अगर पीडीएफ में को सॉल्व करना, मैं अगर तुम लोगों को दिखाऊं कि इसका पीडीएफ कैसे निकाले, तो इसका प्रोबेबिलिटी लिखो एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस वन, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स, विच इज इक्वल टू, तुम लोगों ने गामा फंक्शन नहीं सीखा है ना। ठीक है, पहले हम लोग गामा फंक्शन सीखते हैं। चलो टेबल बुक निकालो, पेज नंबर, टेबल बुक में पेज नंबर मैं बता रही हूं, आई थिंक पेज नंबर थ्री में है। देखो थ्री या सिक्स में गामा फंक्शन लिखा हुआ है। पेज नंबर फाइव में, पेज नंबर फाइव में देखो गामा फंक्शन लिखा हुआ है। देना एक बार, देखो गामा फंक्शन में देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। सो जस्ट बिफोर दिस यू कैन टेक अ नोट, मे बी इसी में लिख देते हैं ना। इसको हम लोग बोलते हैं गामा ऑफ अल्फा। ठीक है, आपके इसमें नोटबुक में क्या लिखा हुआ है, टेबल बुक में, गामा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी टी टू दी पावर एक्स माइनस वन ई टू दी पावर माइनस टी डी टी, वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ओहो सॉरी, क्लियर। अब ये वाला सेम चीज बेसिकली गामा फंक्शन क्या होता है, आप इसको ना कभी भी मतलब इसको आप अच्छे से पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग गामा इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो आप लोग लिख लो पेज फाइव, लिख लो ये, लिखो सब लोग टेबल बुक ताकि याद रहे, पेज फाइव ऑफ टेबल बुक गामा इंटीग्रेशन हेडिंग दे दो,
थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे में दे देना। एंड इसके दो तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। दिस इज ओनली हैपनिंग व्हेन योर एक्स इज एन इंटीजर लाइक 1, 2, ... ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन गामा ऑफ एक्स माइनस वन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होता है गामा ऑफ 0.5 इज इक्वल टू रूट पाई, रूट ऑफ पाई। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को दूं इसी से रिलेटेड, फिर हम लोग वापस उसमें जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अच्छा छोड़ो एग्जाम्पल का, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग को एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है। इफ आई से 7 गामा, तो 7 गामा हो जाता है क्या, लिखोगे 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉल्व कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल करके। बट अगर मैं समथिंग लाइक दिस दे दू 7.5, तो पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7.5 इज 7.5 माइनस 1 फैक्टोरियल, सो आप उसको क्या लिखोगे 6.5 फैक्टोरियल। मतलब ये वाला अगर आप लोग को ऐसे एक्सपैंड करना है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो आप लोग को ऐसे एक्सपैंड करना पड़ेगा ना, दिस इज ओनली ट्रू फॉर इंटीजर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6.5, नहीं 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 6.5 ऑफ गामा, ये वाला ना, ये वाला सेकेंड वाला यूज कर रही हूं मैं। फिर वापस से आप लोग 6.5 इसको वापस से कैसे तोड़ोगे इनटू 5.5 एंड 5.5 का गामा, तो ये चलते जाएगा। फिर 5.5 हो जाएगा 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, तो लास्ट वाला आपका क्या आएगा ... ये आपका जाएगा 1.5 इंटू 0.5 इंटू रूट गामा ऑफ 0.5 एंड गामा ऑफ 0.5 इज रूट पाई, तो वो लिख सकते हो। बट यही चीज अगर मैं लिखती गामा ऑफ 7.6 तो ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये हम लोग खाली आर प्रोग्रामिंग में ही सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरी में सॉल्व नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर, देख लो इसको कॉपी कर लो फटाफट, दो तीन एग्जाम्पल को। साइलेंट करूं जो भी है, पर साइलेंट करूं। डन, एनी डाउट? चलो अब ये सेम चीज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग हाउ वील सॉल्व द गामा डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस।
चलो, सो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि एक्स गामा इज जीरो टू इंफिनिटी टी टू द पावर एक्स माइनस वन ई टू द पावर माइनस टी डी टी. हमारे केस में हमने क्या लिखा, गामा अल्फा फैक्टोरियल सॉरी अल्फा गामा इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन लिखा है मैंने, क्योंकि आपका चेंज हो जाएगा ना, इधर आपका एक्स है इधर आपका एक्स है, समझ रहे हो, तो इधर आपका अल्फा है इधर आपका अल्फा है. e टू द पावर इधर t था ना, हमने क्या लिखा है देखो, इधर x इधर x इधर x, ये t t t सिमिलैरिटी दिख रहा है, खाली एक डिफरेंस दिख रहा होगा दैट इज दिस लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा का एक डिफरेंस दिख रहा है, बाकी सब सेम है. बोलो बाकी सब सेम है, गेस और नो. तो यहां पे व्हाट वी विल डू, यहां पे वी विल राइट दिस डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कोई बता सकता है मुझे? बताएगा कोई मुझे? ये दोनों जो हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, ये हम लोग एक सेकेंड रुको, इस पूरे का आप लोग का जब सोल्यूशन आएगा ना, लेट्स डू वन थिंग, इसको सॉल्व करते हैं. इधर लिखो फिर आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगा. इधर लिखो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अल्फा. Which is equal to lambda, multiply कर रहे हैं ना दोनों तरफ, कभी भी ना गामा इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, हमें हमेशा देखना कभी कुछ मल्टीप्लाई करके ही उसको सॉल्व करना पड़ता है. सो योर आर एच एस इज कमिंग एज वन, आर एच एस इज कमिंग एज वन, तो ये पूरा चीज अगर आप कोई भी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम जीरो टू, अगर आप कोई भी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाता है, नथिंग बट द पीडीएफ. When you integrate, आपने क्या सीखा है डिस्क्रीट के केस में, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन. समेशन ऑफ एफ एक्स नहीं लिखते, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स लिखते फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो सिमिलरली यहां पे भी सेम चीज अप्लाई होता है. सो देयरफॉर कैन यू से दैट पीडीएफ ऑफ एक्स इन दिस केस इज लैम्डा टू द पावर अल्फा गामा ऑफ अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर ऑल एक्स लैम्डा अल्फा ग्रेटर देन जीरो. एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, देख लो. ठीक है, क्लियर है, बोलो. ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं.
लेट्स सपोज इसका मीन वेरियंस पहले लिख लो, चलो मीन वेरियंस बाद में, पहले एक एग्जांपल ले लो, उससे क्लैरिटी आएगा, बिकॉज ये थोड़ा आप लोग के लिए. क्वेश्चन में लिखो x फॉलोज गामा 3.5, तो अल्फा क्या हो गया 3, लैम्डा क्या हो गया 5, आपको निकालना है एफ एक्स, क्या होगा एफ एक्स, लैम्डा टू दी पार अल्फा 3 गामा एक्स टू दी पार 2 ई टू दी पार माइनस 5 एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन, क्लियर. मीन क्या होगा इसका, मीन क्या होगा इसका, मीन एंड वेरियंस डिराइव करो. चलो मैं बताऊंगी नहीं डायरेक्टली, इसका डेरिवेशन बहुत ही अच्छा है मीन एंड वेरियंस का. मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं बताओ, मीन कैसे निकालेंगे. वेरी गुड, पूरा फॉर ऑल एक्स विच इज 0 टू इन्फिनिटी, एक्स एफ एक्स होगा ना, तो एक्स एफ एक्स क्या होगा, लैम्डा टू द पावर अल्फा, अल्फा फैक्टोरियल गामा एक्स टू द पावर, बोलो अल्फा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स. चलो सोचो सो कैसे सॉल्व करेंगे. मैंने बोला है कि गामा इंटीग्रेशन कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, तो कैसे करेंगे इसको, क्यों इनटू एक्स मल्टीप्लाई किया मैंने, कैसे आएगा 1, कुछ इधर उधर करना होगा ताकि वो जो अंदर है वो पीडीएफ बन जाए, किसका, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है ये वाला पार्ट, इसको बस हमेशा याद रखना कि आप क्या बोल रहे हो, इंटीग्रेशन जीरो, बेसिकली ये जो पूरा चीज है ना ये बस आपने उल्टा किया है, जैसे ये वाला पार्ट, तो इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट एक्स ई एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस 1, मतलब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, देख लो ये जो पीडीएफ वाला पार्ट है इसको जब आप इंटीग्रेट करो तो आपका 1 आ रहा है, तो ये किसका पीडीएफ है, ये है पीडीएफ ऑफ गामा अल्फा कॉमा लैम्डा, तो इसी सिमिलर टू दिस सम गामा गामा का पीडीएफ बनेगा ताकि वो 1 आ जाए, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाए. अब इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो सबसे पहले तो एक बार देख लो फिर करना, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स अपने बाहर ले लेंगे विच इज नॉट रिलेटेड टू आपका एक्स, अंदर क्या बच गया x टू दी पार, यहां पे एक 1 है यहां पे एक 1 है, ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पार माइनस लैम्डा x dx, ऐसे लिख सकते हैं. अब क्या ये जो पार्ट है इसमें हम लोग गामा ऑफ सोच सकते हैं कि इसमें हम लोग गामा ऑफ अल्फा प्लस 1 कॉमा लैम्डा बनाने का कोशिश करें, PDF ऑफ गामा अल्फा प्लस 1 कॉमा लैम्डा, मतलब पैरामीटर अल्फा के जगह पे अल्फा प्लस 1, उसके लिए अंदर में और क्या चाहिएगा बताओ, उसके लिए अंदर में और क्या चाहिएगा आपको, नहीं ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तुमको, तुम PDF भूल जा रहे, PDF जाके रेफर करो, ये होता है PDF पूरा, खाली ये पार्ट है आपके पास, तो आपको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, लैम्डा टू दी पार अल्फा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा टू दी पार अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय
अल्फा प्लस, वेरी गुड, अल्फा प्लस वन का गामा ये अंदर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे दोनों को. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस इक्वेशन, तो आपका क्या आएगा पहले देख लो फिर लिखना. इनटू बाहर में तो हम लोग कर देते हैं इसको इसका उल्टा, क्योंकि मैंने बोला है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जीरो से इन्फिनिटी लैम्डा टू दी पार अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन का गामा, एक्स टू दी पार अल्फा प्लस वन माइनस वन, ए टू दी पार माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स. तो अब ये जो अंदर में है दिस हैज बिकम पीडीएफ ऑफ गामा अल्फा प्लस वन कॉमा लैम्डा, एंड ये वाला इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग द, तो आप लोग लिखो, आप लोग इसके नीचे लिखो द इंटीग्रल पार्ट बिकम्स, द इंटीग्रल पार्ट बिकम्स वन एज इट इज द पीडीएफ ऑफ गामा अल्फा प्लस वन कॉमा लैम्डा एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. तो अब बाहर क्या बच गया हमारा, ये पार्ट बच गया. तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक बार, इसको हमने क्या सीखा है, अल्फा प्लस वन माइनस वन, अल्फा फैक्टोरियल, सॉरी अल्फा इंटू अल्फा ऑफ गामा डिवाइडेड बाय, सिंस पेज नंबर फाइव ऑफ टेबल बुक एक्स वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस वन है ना. एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ गलत लिखा है. नहीं सही लिखा है, हाँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया. ये भी तो ये अल्फा बाय लैम्डा खाली बचेगा, क्योंकि लैम्डा इसको भी मैं तोड़ देती हूँ, आप लोग की लीजिए होगा, लैम्डा टू दी पावर अल्फा इनटू लैम्डा ऐसे तोड़ सकते हैं ना. दिस इज द मीन, हेंस प्रूव्ड. So therefore, your expectation of x is alpha by lambda. ठीक है, क्लियर? वेरिएंस प्रूफ करो अब, चलो खुद से. अगेन वेरिएंस के लिए लेट्स टेक आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जीरो से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर लैम्डा टू दी पार अल्फा, अल्फा कामा एक्स टू दी पार अल्फा माइनस वन लैम्डा टू दी पार which is equal to x to the power क्या हो जाएगा, alpha plus 1. करो solve. फिर से integration में वैसे लेके आओ, अभी हो गया अल्फा प्लस वन, तो आप लोग अल्फा प्लस टू माइनस वन कर सकते हो और अल्फा प्लस टू का गामा वो बना सकते हो,
करो खुद से ट्राई करो। ये वाला चलो खुद से ट्राई करो। फिर से बोल। करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो, अब यहां हम लोग, मैं डायरेक्टली करूंगी, इसमें हम लोग को क्या कैसा पीडीएफ बनाना है, गामा ऑफ अल्फा प्लस टू का, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिएगा, बाहर अगर हम लोग ये लिख दें, अंदर हम लोग को किससे जीरो टू इन्फिनिटी अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो आ जाए, लैम्डा टू दी पावर अल्फा प्लस टू डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस टू। तो बाहर को, बाहर में इसको हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यस और नो। प्लस टू माइनस वन ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, नॉट दिस बिकम्स योर पी डी एफ ऑफ गामा अल्फा प्लस टू कॉमा लैम्डा, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा वैसे फिर। तो ये अब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा अल्फा, अगर हम लोग डायरेक्टली लिखें लेट्स सपोज, तो ये होता है अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा अल्फा प्लस टू का फैक्टोरियल विच इज अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ गलत किया क्या मैंने। अब नाउ व्हाट यू विल कैंसिल आउट, अल्फा प्लस टू ऊपर बच गया और नीचे लैम्डा टू दी पार टू, ये आ रहे क्या, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, आई थिंक वैसे ही करते हैं, चलो। तो ये हो गया तुम्हारा लैम्डा अल्फा, अच्छा वो मैंने एक टर्म छोड़ दिया इसीलिए मेरा नहीं आ रहा था, मेरे को एक और टर्म लिखना था इसीलिए मेरा नहीं आया। ये अल्फा, अगर हम लोग वो दोनों रूल एक बार कर लेते हैं ना,
अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल होगा ना, तो यहां होगा तुम्हारा अल्फा प्लस टू है, तो अल्फा प्लस वन का फैक्टोरियल, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा फैक्टोरियल। अगर तुम इसको फैक्टोरियल को तोड़ता है तो कैसे तोड़ता है, सिक्स फैक्टोरियल इज व्हाट, सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, फिर ये क्या हो जाएगा फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, तो यहां पे ये हो गया, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा अल्फा फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तुम लोग को अगर दूसरा मेथड कंफर्टेबल है वो मेरे को भी वही कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला वैसे ही कराया, बट बहुत जगह देखना सब लोग ऐसे भी करते हैं, बट पर्सनली आई डोंट प्रेफर यूजिंग दैट बिकॉज अल्फा एंड लैम्डा डेसिमल्स भी हो सकता है, सो यू कैन नॉट हैव दिस अप्रोच। ये मैंने खाली इंटीजर के लिए बोला है कि दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर इंटीजर, सो आप लोग देखोगे कहीं कहीं पे दे यूज दिस अप्रोच, बट दिस अप्रोच लॉजिकली इज रॉन्ग। मैंने सिखा दिया है बट लॉजिकली मुझे गलत लगता है, तो मैं हमेशा से फिर यही यूज करती हूँ। मतलब आप क्या करोगे, इसको ये हो जाएगा अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस वन का गामा, फिर वापस इसको तोड़ेंगे तो अल्फा और अल्फा का गामा, फिर अगेन इसको तोड़ेंगे, अच्छा हाँ अल्फा का गामा तक ही तो चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगेन यू आर लेफ्ट विथ दिस, ठीक है, बस यही आंसर है, इसको मत तोड़ो कुछ अब, क्योंकि एनीवेज हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वेरियंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, माइनस क्या आया था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अल्फा बाय लैम्डा का, तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, एक अल्फा बचेगा ऊपर खाली और नीचे में लैम्डा स्क्वायर, दिस इज योर वेरियंस। यस, यू कैन यूज बोथ द प्रॉपर्टीज रोशनी, बट द थिंग बट द लॉजिक इज वो फैक्टोरियल वाला जो है वो इंटीजर केस में यूज करते हैं, तो यू डोंट नो दैट योर अल्फा, दैट योर अल्फा इज एन इंटीजर और नॉट, इट कैन बी अ नॉन इंटीजर एज वेल, पॉइंट्स में भी हो सकता है ना अल्फा, सो दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर यूजिंग इट। अब एक नोट लिख लो, एक नोट दो, नोट एक नोट दो, वी विल नेवर यूज इंटीग्रेशन, वी विल नेवर यूज इंटीग्रेशन टू कैलक्यूलेट द प्रोबेबिलिटीज, टू कैलक्यूलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड we will convert it to a chi square distribution and then use table book to calculate the same। क्या होता है ना, जब हमें प्रोबेबिलिटीज निकालने को दिया जाता है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। जैसे अगर मैं आप लोग को एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दे के जाती हूं, आप लोग इसको सॉल्व करो, x फॉलोज गामा 2,1.5, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4, इसको करो, आई विल गिव यू ऑल 5 मिनट्स ब्रेक, इसको करो एंड देन वी विल स्टार्ट विथ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ पार्ट ऑफ गामा, ठीक है।